प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के समक्ष द्रमण, शाहपुर, रेत, चंबी, राजौल, बनोई और कुटमा के प्रभावित संघर्ष समिति मिली है, जिसमें फोरलैन को बनाने में जो नुकसान प्रभावित लोगों को हो रहा है उसके बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के समक्ष द्रमण, शाहपुर, रेत, चंबी, राजौल, बनोई और कुटमा के प्रभावित संघर्ष समिति मिली, जिसमें फोरलैन को बनाने में जो नुकसान प्रभावित लोगों को हो रहा है उसके बारे में उन्हें अवगत करवाया गया। पठानिया ने कहा कि वर्तमान सरकार ने फोरलैन बनाने पर प्रभावित लोगों का मिलने वाले मुआवजे में कटौती करके फोरलैन प्रभावित लोगों को धोखा दे रही है। पठानिया ने कहा कि फोरलैन प्रभावित संघर्ष समितियों की जो मांगे हैं उनका कांग्रेस कमेटी जोरदार समर्थन करती है। पूर्व की यूपीए की कांग्रेस सरकार ने लैंड एक्ट बिल जो पास किया था उस समय फोरलैन प्रभावित लोगों को मुआवजे का प्रावधान फैक्टर 4 के अंतर्गत किया गया था, जो कि एक कनाल का लगभग 32 लाख मिलना था और बिल्डिंग का लैंड एक्ट एक्यूजेशन पास जो हुआ था वो स्क्वायर मीटर 52,000 की नोटिफिकेशन हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको घटाकर एक कनाल का 7 लाख और बिल्डिंग का एक स्क्वायर मीटर का 18,000 करके जनता को धोखा दिया है। पठानिया ने कहा कि पहले वर्तमान सरकार फोरलैन बनाने की स्थिति को स्पष्ट करे, जिससे जनता भ्रम में ना जिए और व्यापारी अपना व्यापार खुलकर कर सके। जल्द ही फोरलैन संघर्ष समिति जिलाधीश महोदय से मिलेगी, जो कि फोरलैन प्रभावित लोगों को फैक्टर 4 के तहत मुआवजा मिले। मंडल जो फोरलैन के लिए वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है, उनके प्रभावित लोगों का प्रतिनिधि मंडल आया था, जिसमें शाहपुर, दमण, रैत और हमारी रजोल, कुटमा, ये सारा जो है वो नेशनल हाईवे में आ रहा है। तो विस्तार चर्चा के बाद मैं तो सबसे पहले तो जो फोरलैन संघर्ष समिति जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। और वास्तव में जब चर्चा हुई तो जब हिंदुस्तान में यूपी टू की गवर्नमेंट थी, लैंड एक्विजिशन बिल जो पास हुआ था उसमें जो मुआवजा था वो फैक्टर 4 के अंतर्गत मिलना था और उसके हिसाब से एक कनाल का लगभग 42 लाख रुपया जो है वो मुआवजा बनता है, जबकि वर्तमान सरकार जो है वो 7 लाख रुपया पर कनाल दे रही है। और ये नोटिफिकेशन मैं कहता हूँ कांगड़ा के अंदर भी और मंडी के अंदर भी और प्रदेश के विभिन्न कोणों में हुई। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि जो पार्लियामेंट हमारा जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, जो बिल उन्होंने पास किया है उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो जो फोरलैन प्रभावित लोगों को जो है वो मुआवजा दे। इसके साथ साथ जो बिल्डिंगों का लैंड एक्विजिशन एक्ट में पास हुआ है उसमें 18,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर था, वर्तमान सरकार दे रही है, लेकिन जो कानून है हिंदू भारत सरकार का वो 52,000 पर स्क्वायर मीटर है। और आपको बता दूं मैं, ये नोटिफिकेशन किसी मंडी ने करके भी रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो एक तो लगभग 6 सालों से फोर लैन पे लोगों में पहले असमंजस है और लोगों ने बहुत से लोगों ने जो है अपना जो है बिजनेस शिफ्ट करके रखा हुआ है, तो वर्तमान सरकार ये भी स्पष्ट करे कि क्या वो फोर लैन बनाना चाहती है नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि 6 सालों से पहले जो नितिन गडकरी जी यहाँ आए थे उद्घाटन करके चले गए। और इसके साथ साथ अगर वो लैंड अक्वायर कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है वर्तमान सरकार जो है उसके साथ जो है वो मैं कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोगों को मुआवजा दे। और हमारे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत से लोग प्रभावित हैं, बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, तो हम ये चाहते हैं और जल्द ही इन प्रभावित लोगों की एक हमारी हमारा जो है एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन रही है और जिलाधीश महोदय से जल्दी ही हम मिलने जाएंगे कि फैक्टर 4 के अंतर्गत जो है वो मुआवजा दिया जाए।